राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को, वैष्णवों को। और कैसे हैं सब? श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शंकर की खूब कृपा बरस रही होगी कि एकादशी आने वाली है, कामिका एकादशी। ये श्रावण मास की पहली एकादशी है और सनातन धर्म की मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से आपके सभी कष्टों की मुक्ति होने वाली है। हमारे जितने भी पाप हैं, जाने में अनजाने में कैसे, वो भी समस्त खत्म होने वाले हैं। इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आप सही विधि, सही नियम और सही पारायण का, शुभ मुहूर्त, पूजा का सब कुछ जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि व्रत कोई भी हो, जब तक सही विधि से, सही नियम से, सही मुहूर्त से ना किया जाए, उसका कोई फल मिलता ही नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की एकादशी तिथि का आरंभ तो हो रहा है 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर, और अगले दिन यानी 31 जुलाई को दोपहर को 3:55 पर इसका समापन हो रहा है। चूंकि उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा, उदया तिथि को ही हम श्रेष्ठ मुहूर्त कहते हैं। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, आप नोट कर लें, सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक रहेगा पूजा का जो शुभ मुहूर्त है। और पंचांग के अनुसार इस बार आपको 3 दुर्लभ योग भी देखने को मिलेंगे, ध्रुव योग, दूसरा है शिववास योग और तीसरा है सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग तो पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब है जो भी हम करेंगे वो सिद्ध हो जाए। दोपहर को 2:14 तक ध्रुव योग है, जिसमें पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल माने जो कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो, और हर काम में निश्चित सफलता भी मिलती है इस योग में पूजा करने से। और दोपहर को 3:55 तक शिववास योग है। यदि इस वक्त कोई भगवान शिव का अभिषेक कर ले तो उसे संसार के सभी सुखों का वरदान स्वयं भगवान शिव देते हैं। यानी 3:55 तक भगवान कृष्ण तो यहाँ तक भी कहते हैं कि युधिष्ठिर, केवल व्रत से ही नहीं, एकादशी व्रत, जो काम का एकादशी व्रत है, इसकी केवल कथा श्रवण करने से उस व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का भी फल मिल जाता है। और इसकी सही विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप उठ जाएं और स्नान करते वक्त नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान की पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी। उसके बाद भगवान की आरती करें, उसके बाद भगवान को भोग लगाएं और साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। और अगले दिन पारायण करके, पारायण भी कैसे करना है, तुलसी का पत्ता पहले मुख में डालना है, उससे पहले अन्न मुँह में नहीं जाना चाहिए। पहले भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं, उसके बाद भगवान को जब भोग लग जाए, आरती वारती सब हो जाए, पूजा पूजा सब हो जाए, उसके बाद आप पारायण करें और अन्न से पहले तुलसी का पत्ता खाली पेट अपने मुंह में डालें, उसके बाद चावलों से अपना पारायण खोलें, यानी व्रत खोलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दें। ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।